दीदी ये फ्रिज तो इतना ठंडा है, इसमें से स्मोक क्यों आ रहा है? स्मोक कहाँ है? स्मोक तो क्या मैं जल रहा हूँ? स्मोक नहीं, पानी है। वो पानी जो कि हवा में रहता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। थैंक गॉड बच गए, मैं तो डर ही गया था। वाटर वेपर वो क्या होता है? अरे वाटर मतलब पानी और वेपर मतलब गैस, तो वाटर की गैस हो गई वाटर वेपर। तो दीदी इस फ्रीजर में वाटर की गैस कहाँ से आ गई? मिकू वाटर वेपर फ्रीजर में ही नहीं, सारी हवा में होती है। पर दीदी हवा में तो गैसेज होती है ना, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन एक्सेट्रा। बिल्कुल, हवा में ये सभी गैसेज होती हैं, लेकिन हवा में पानी भी होता है गैस की फॉर्म में, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। पर कैसे दीदी हवा में पानी कैसे आ जाता है? देखो पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा हवा में जाता ही रहता है, तभी तो चीजें रखी रखी सूख जाती हैं। अब तुम ही सोचो और बताओ, जो कपड़े हम धूप में सुखाते हैं उनका पानी सूख कर कहाँ जाता है? हाँ हवा में ही जाता होगा शायद। ठीक इसी तरह नदियों, तालाबों, समुद्र और हर जगह का पानी धीरे धीरे हवा में जाता रहता है, तभी तो हवा में वाटर वेपर रहती है। ओके दीदी समझ गया, हवा में बहुत सारा वाटर वेपर रहता है। बिल्कुल। पानी कितने कमाल की चीज है, ये कोई मुझसे पूछे मेरा तो हर रोज का काम पड़ता है इससे। तो अभी हमने ये समझा कि पानी धीरे धीरे उड़कर हवा में जाता रहता है और इस कारण हवा में वाटर वेपर रहती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एक सेकेंड, तो क्या आप बता सकते हैं कि चाय से ये धुआं क्यों निकल रहा है? बताइए बताइए। हाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टीम या वाटर वेपर में से कुछ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टीम या वाटर वेपर बिल्कुल नहीं है। जानना चाहते हैं कि असल में ये धुआं है क्या? तो हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।